हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। सो आज की हमारी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है, और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है ये। तो क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग आज की क्लास को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के नए चेयरमैन कौन होंगे। तो SBI के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, जिनकी तस्वीर है आपके सामने। अगर हम लोग बात करते हैं SBI की, तो इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है और चेयरमैन जो नियुक्त किए गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तहरी महताब को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 के बाद पहली बार लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं। राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता बनाया गया है। विपक्ष का नेता बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, जैसे कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए 55 सीटें ज़रूरी होती हैं और इस बार कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, इसलिए अब जो विपक्ष का नेता है वो डिक्लेयर किया गया है। कौन बनाए गए हैं, राहुल गांधी जी बनाए गए हैं, और ये रायबरेली से सांसद हैं। राहुल गांधी जी वर्तमान में रायबरेली से सांसद हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT जिसे हम लोग कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो CBDT के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रवि अग्रवाल, जिनकी तस्वीर है आपके सामने, आप इन्हें देख सकते हैं, ये हैं रवि अग्रवाल। और अगर हम लोग CBDT की बात करते हैं, जिसे हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहते हैं और इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष रवि अग्रवाल बनाए गए हैं और इन्होंने नितिन गुप्ता का स्थान लिया है। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं NS राजा सुब्रमणि, जिनकी तस्वीर है आपके सामने। अगर बात करें भारतीय सेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय जो है इसका वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो थल सेना प्रमुख हैं वो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो भारत के दूसरे लोकपाल नियुक्त किए गए हैं अजय मणिक राव खानविलकर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नाटो के अगले महासचिव होंगे मार्क रूट। और नाटो की अगर बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, और साथ ही साथ ये वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। 1973 से ये प्रावधान आया था कि प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया जाएगा। इस पद का प्रावधान 1973 से आया था। और भारत के जो पहले प्रधान सचिव बने थे वो पी एन हक्सर थे। वर्तमान में जो नियुक्त किए गए हैं, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं। भारत के नए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष फिर से ओम बिड़ला जी बना दिए गए हैं। और जो भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे यानी स्पीकर थे, वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत के नए यानी 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 35वें विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है, जिनकी तस्वीर है आपके सामने। अगर बात करें कि भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे, तो KPS मेनन थे। और भारत की जो पहली महिला विदेश सचिव रही हैं वो चोकिला अय्यर थी। वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर हैं। विदेश सचिव की बात की जाए तो विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है, और अगर विदेश मंत्री की बात की जाए तो डॉक्टर S जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यानी प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इनका जो कार्यकाल रहा है सर्वाधिक रहा है, 12 वर्षों का कार्यकाल इनका था।
भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शब्द का प्रावधान आर्टिकल 52 में मेंशन है। राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो 5 लाख रुपये महीना होता है और टैक्स फ्री इनका वेतन होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान मिलता है हमें। उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज जो है वो 35 ईयर होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ बात करें अगर कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये वाराणसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीते हैं और सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अब ये तीसरा कार्यकाल जो कंप्लीट कर लेंगे नरेंद्र मोदी, तो वो ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी को भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम लोग इंडियन आर्मी की बात करते हैं यानी थल सेना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी को थल सेना प्रमुख बनाया गया। आर्मी डे जो है 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन नेवी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इंडियन नेवी के नए प्रमुख बनाए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिनकी तस्वीर है आपके सामने। वर्तमान में जो सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान हैं। अगर हम लोग नौसेना प्रमुख की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं और ये 30वें थल सेना प्रमुख बने हैं। वायुसेना प्रमुख जो हैं विवेक राम चौधरी हैं। मोदी कैबिनेट का जो तीसरा कार्यकाल है, इसमें देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो राममोहन नायडू को सबसे कम उम्र का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ये तेलुगु देशम पार्टी के सांसद हैं राममोहन नायडू, और ये मोदी सरकार में देश में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। इनकी उम्र है महज 36 साल। इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। राममोहन नायडू जो हैं वो लगातार तीसरी बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश से सांसद चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय जो नौसेना है यानी इंडियन नेवी है, इसकी पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव। पीएम मोदी मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर पेम्मा शानी जो है वर्तमान के जो पीएम मोदी मंत्रिमंडल है उसके सबसे अमीर मंत्री हैं। चंद्रशेखर पेम्मा शानी की बात करें तो ये TDP पार्टी गुंदूर आंध्र प्रदेश सीट से चुनाव इन्होंने जीता है और इन्हें ग्रामीण विकास व संचार राज्य मंत्री बनाया गया है। भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? JP नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। मंत्रालय इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया, साथ के साथ इनको रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी मिला है। ये चुनाव नहीं लड़े थे। और कुछ अदर फैक्ट की अगर बात करें तो 2019 से 2024 तक ये BJP के अध्यक्ष रहे हैं। भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं। लोकसभा सीट विदिशा मध्य प्रदेश से है इनकी। मंत्रालय जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, साथ के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको मिला है। मध्य प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नियुक्त किया। उन्होंने कौन सी बार ये पद संभाला है? तो ये पद इनका तीसरी बार था कि जब ये NSA बनाए गए हैं। अजीत डोभाल जो हैं वो तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं। ये IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख भी रह चुके हैं और 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। तब से ये लगातार बनते आए हैं और इस बार ये इनका तीसरा कार्यकाल है। NSA के बारे में इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। यहाँ पर स्थापना नवंबर 1998 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBI के संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं अनुराग कुमार। CBI की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और निदेशक हैं प्रवीण सूद।
24 नंबर क्वेश्चन इज, जो फिक्की है इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं ज्योति विज। फिक्की की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीस शाह। नीति आयोग के नए निदेशक कौन बनाए गए? तो नीति आयोग के नए निदेशक आशीष कुमार दास को बनाया गया। ये सभी नियुक्तियां बिल्कुल लेटेस्ट हैं तो इनको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नीति आयोग की बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है, CEO है VVR सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और अध्यक्ष यहाँ के PM होते हैं जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए ऊर्जा आवास और शहरी विकास के मंत्री कौन बने हैं? ऊर्जा आवास और शहरी विकास मंत्री बनाए गए हैं मनोहर लाल खट्टर। बात करें अगर इनकी लोकसभा सीट की तो करनाल हरियाणा से है। मंत्रालय ऊर्जा आवास और शहरी विकास मंत्रालय इनको दिया गया और इन्होंने दिव्यांशु बुद्धिराजा जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं इनको 2.32 लाख वोटों से हराया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो भारत के जो जनजातीय मामलों के मंत्री बने हैं वो जुएल ओराव बने हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इनको दिया गया। दिलीप तिर्की को हराया इन्होंने 1.38 लाख वोटों से। लगातार 6ठी बार सांसद बने हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? रवनीत कौर को बनाया गया है पहली महिला अध्यक्ष CCI की। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर प्रमिला मलिक को बनाया गया। इदा शिशा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया है? तो इदा शिशा नोगरांग हैं जिनको मेघालय की पहली महिला महानिदेशक महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है जिनका नाम है राधा रतूड़ी और आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नईमा खातून। नईमा खातून AMU की पहली महिला कुलपति बनी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया जो हैं वो भारत के पहले CIC बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF के नए DG कौन बनाए गए? RPF के नए DG बने हैं मनोज यादव, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है मनोज यादव। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद बनगड़िया को नियुक्त किया है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। वित्त आयोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका गठन आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद बनगड़िया हैं जिनको हमने अभी पढ़ा और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। फर्स्ट वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष KC नियोगी थे और साथ के साथ जो हमारा 16वां वित्त आयोग है इसके सचिव जो हैं ऋतिक रंजनम पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यानी कर्मचारी चयन आयोग जो है इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राकेश रंजन। क्वेश्चन नंबर 38 इज, हाल ही में किसको संघ लोक आयोग यानी UPSC का निदेशक नियुक्त किया गया? तो हंसा मिश्रा को UPSC का निदेशक नियुक्त किया गया है। UPSC की अगर हम लोग बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष यहाँ के मनोज सोनी हैं, साथ ही निदेशक नियुक्त किया गया है हंसा मिश्रा को। देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जिसे हम लोग कहते हैं इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभास जो है वो NSG के प्रमुख बनाए गए हैं। NSG की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं इसे। ये देश में आतंकवाद विरोधी जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे निपटने का कार्य करता है। स्थापना हुई थी 1986 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। प्रमुख हैं इसके नलिन प्रभात।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCST के अध्यक्ष का नाम बताना है तो NCST के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं किशोर मकवाना, जिनकी तस्वीर है आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं, तो RBI के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो TRAI के नए अध्यक्ष बन चुके हैं अनिल कुमार लाहौती। बात करें अगर TRAI की, जिसे हिंदी में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहते हैं और इंग्लिश में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 20 फरवरी 1997 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहौती। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताना है जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC के अध्यक्ष बने हैं, तो समीर शाह जो है वो BBC के अध्यक्ष बन चुके हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC कौन बने हैं, तो AS राजीव को भारत का नया CVC बनाया गया है। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना इसकी 1944 में हुई थी, मुख्यालय Washington DC अमेरिका में है और अजय बंगा को अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, इन्होंने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया, तो नए महासर्वेक्षक बनाए गए हैं हितेश कुमार S मकवाना। हाल ही में किसे तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का अध्यक्ष चुना गया, तो जैसा जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं सामने, इन्हें तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 48 इज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो DY चंद्रचूड़ जो है वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं करंटली। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी है, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO बन चुकी है जया वर्मा सिन्हा, इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन है और आप ध्यान में रखेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें से किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इसको याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO बनी हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है राजीव कुमार को। भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, R वेंकट रमनी जो हैं इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। बात करते हैं अगर महान्यायवादी की, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और करंटली देश में सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो तुषार मेहता जी हैं। अब टेस्ट के फॉर्म में आपके लिए एक क्वेश्चन है, किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जगजीत कौर, भर्तृहरि महताब, अमन गुप्ता या फिर अनुसुईया बेन, इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है इस तरीके की वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। थैंक यू।